नमस्ते फ्रेंड्स, टीडीएस टीसीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न फाइल करने हैं उसकी ड्यू डेट के बारे में, उसकी अपडेट के बारे में। सीबीडीटी द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके द्वारा टीडीएस और टीसीएस रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट फर्स्ट क्वार्टर के लिए बढ़ाई गई है। तो अब अगर बात करें फर्स्ट क्वार्टर के टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट की ड्यू डेट्स के बारे में, तो जो टीडीएस स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 24Q के अंदर फाइल करना है उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2023 है, जिसे 31 जुलाई 2023 के पहले फाइल करना है। और जो टीडीएस रिटर्न फॉर्म नंबर 26Q और फॉर्म नंबर 27Q के अंदर फाइल करना है उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2023 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी गई है। तो अब जो टीडीएस का स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 26Q और फॉर्म नंबर 27Q के अंदर फाइल करना है उसे 30 सितंबर 2023 के पहले फाइल करना होगा। और अगर टीसीएस स्टेटमेंट की बात करें तो जो टीसीएस का स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 27EQ के अंदर फाइल करना है उसकी ड्यू डेट 15 जुलाई 2023 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी गई है। तो ये जो टीडीएस और टीसीएस रिटर्न की डेट्स में जो बदलाव किया गया है ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर के लिए किया गया है, बाकी के क्वार्टर पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के फर्स्ट क्वार्टर के टीडीएस और टीसीएस रिटर्न को फाइल करते समय हमें इन ड्यू डेट्स को ध्यान में रखना होगा, इसके हिसाब से टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट को फाइल करना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।